घर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलदार को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। काना, तूने सुना है ना कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बर्दर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है, हम पे क्रोध ना करेगो ये। देखो कैसे स्वागत कर रहे है। व्यर्थी भयभीत हो यो तुम सब। बाल कृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है, बहुत भूखे हैं ये, इसलिए हम इनके लिए तरिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु, सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। जी काना पागला हो गया हो क्या? माती कॉल काना, जैसी तो हमारी ओर आएगो और अपनी सिंगों से उड़ा के चला जाएगो। अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे, भीतर चल लो है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो काना। मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी,
अब अंदर कैसे जाएगा कान्हा? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो पाए कान्हा। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बाहर बल्दर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है। है नारायण, फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख ले तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जो ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गए तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। आना तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है, कछु बोलेगा भी? ननराज जी, ननराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है, चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनकी भाषा समझते हो। लगता है यही रखा है सारा का सारा माखन। मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहा तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर काना, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना हो तो दाओ माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा, तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगो? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है, ना तो मैं
इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा, इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूंगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल, ये छल से भरा है ये नखट बड़ा चिपचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? हाँ। तो लो फिर अब खाएगो जी मेरा माखन। वानर वराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीत अधिक लपलपाए वो ही सबसे पहले माखन खाए। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हो जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये? बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री, कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है, इसीलिए कृष्णा जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित है देवी। तब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से
चित चोर कहकर भी पुकारेगा, वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चिचोर तो है ये, इन्होंने केवल गोपियों का नहीं अपनी मैया का भी चित चुराया है। कान्हा देख लल्ला, अब सामने आ जा लल्ला। मुझे पतो है तू खम्बे के पीछे छुपो है, बाहर निकल। माया रुक, लल्ला ठीक है मतिया, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूं। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। चाहिए हाँ। ये तो फिर से माखन बांट रहे है, इसका इतना साहस? यदि यही सब करना था तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहा है, इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए। नाना नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोग बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा अभी तो गले तक ही गए और माखन पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचे है। हाँ, तभी मेरी भी ना मिट्टी है। वसंता इसे तुम ले लो। ना लोग बहुत भयानक राक्षस हैं। जी अच्छी बात ना है कान्हा, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाए हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी उसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये मानव महाराज पूछे थे इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, दो गुनों से भी अधिक बिकेगो। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने, बस आप मैया को कछु मत बताइयो।
भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? काना, मौसी, अब सब गए, मैं भी जाऊं। कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा। भाग्यो, काना, एक तो चोरी की और ऊपर से मूर्ख बना के भाग को जी ठीक ना है। मुझे यशोदा जीजी को बताना ही होगा और वो भी इसके घर पहुंचने से पहले। अरे पल्लू मत खींच, तनिक रुक जा, दे रही पूजा तो करने दे। ले अब जितना मन करे उतना प्रसाद खा। या तो मैं सच्ची बावली हो गई हूं कि मुझे हर समय काना दिखता रहता है, या फिर मेरा लल्ला कुछ अधिक ही विशेष है कि मेरे साथ ना होके भी सदैव अपनी मैया के साथ ही रहता है। आज तो कैसे प्राण बचे नारायण ही जानते हैं। मैं तो पाऊ को सरपट लेके ऐसे सरपट भागो, ऐसे सरपट भागो कि पूरे गोकुल में। अरे बड़बोले, इस समय तो बड़ी बड़ी मत हाको। पर असली लाभ तो वानर महाराज ने उठाया है। पूरी की पूरी मटकी अकेले लेके निकल लिए। ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि हम माखन बांट सके। हमारे साथ ना दाऊ, उनके साथ। मैं समझ गो काना, एक ना सभी जानवरों की भूख मिट जाए इसलिए गया था तू सावित्री मौसी के यहाँ माखन चुराने। इससे पहले कि वो हमारे यहाँ पहुँच जाए हमें घर पहुँचना होगा दाऊ, चाहे कछु हो जाए पर देरी ना होनी चाहिए। इससे पहले के बहुत समय बीत जाए हमें ये समझना होगो कि लोभ आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे तो हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर दे तो। बहुत समय पहले की बात, एक साधु था, वो सुनसान घने जंगल में रहकर साधना करता था। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने ही वाला था कि अचानक से एक दिन उसे एक सुनहरी बिल्ली दिखाई थी। उसने उसे देखो तो सोचो के ये तो बहुत सुंदर है, इसे तो मेरे पास रहना चाहिए, और उसने उस बिल्ली को अपने पास रख लिया। फिर उसने सोचो के इसे तो दूध की आवश्यकता होगी और उसके लिए गाय की, तो उसने एक गाय भी रख ली। अब गाय को चारे की आवश्यकता होगी और चारे के लिए भूमि की। नारायण की कृपा से भूमि का प्रबंध भी हो गयो। अब भूमि को जोतनो है, चारा उगानो है, चारा काटनो है और उसे गाय को खिलानो है। गाय को खिला के उसे दूध निकालनो है और दूध निकाल के बिल्ली को पिलानो है। कार्य बढ़ गो। अब उसे लगो कि सहायता के लिए दो जोड़ी हाथ और होने चाहिए, तो उसने विवाह भी कर लियो। कुछ समय बीतो और संतान हो गई और उसे एक बड़े घर की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे लोभ ने उसे अपनी छाया में ले लिया और वो नारायण की साधना कर ब्रह्म ज्ञान को पाने के अपने परम लक्ष्य को भूल गो। फिर अनेक वर्ष बीतने के पश्चात उसकी अपने गुरु से भेंट हुई। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं और पहचानो तो उनने कही के एक बार, बस एक बार अपने कर्तव्य से भटका था तू, और देख कैसे देखते ही देखते लोभ के जंजाल में गहरे ही गहरे धंसता चला गया। सोचो
कहीं उस व्यापारी को धन के लोभ में अपना वचन देकर आप सब भी यही भूल तो ना करने जा रहे। परिवार, घर द्वार, भोजन, सुख शांति, जीने के लिए आवश्यक जो सब कुछ तो है आपके पास। इसीलिए मुझे चिंता हो रही कि जिस प्रकार उस साधु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अवसर गवा दियो था, आप सब भी इस लोभ में आकर अपना सुख चैन ना गवा दो। लग तो है बात सबको समझ आ रही है। भाभी आसानी से ना मिलने देंगी कान्हा से, पर उसे देखे बिना रहा भी तो ना जा रहे हो मुझसे। कहाँ है वो? मुझ पे बहुत क्रोध है उन्हें। इतने शीघ्र शांत ना होगा, उन्हें मनाना तो पड़ेगा ताकि मैं नंद भवन में फिर से बिना किसी रोक टोक के आ जा सकूं। पर क्या बोलूं, कैसे मनाऊं उन्हें? लल्ला पर चोरी का आरोप लगायो, वही आज मेरे घर में चोरी चोरी प्रवेश कर रही है। नाना भाभी, ऐसी कोई बात ना है, मैं तो बस ये देखने आई थी कि जसोदा भाभी का क्रोध शांत हुआ कि ना। सुन ले जानकी, मेरा क्रोध उसी दिन शांत होगो जिस दिन तू सारी गोपियों के सामने मेरे कान्हा पर लगाया आरोप वापस लेगी। चोरी करेगा तो आरोप। सावित्री तू भी? कल तक मुझे ये थोड़ी पता था जीजी कि आपका कान्हा सच्ची में माखन चोरी में पारंगत है। आशा करता हूँ कि आप सभी को नंदराज का विचार और संदेश सही से समझ आ गो होगो। सिक्कों की खनक बता रही है कि पोटली कितनी भारी है। एक ही दिन में कितनी वजन पा गई जी? हमें भी इससे अधिक धन अर्जित करना होगा, तभी तो हम अपने उज्जवल का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। पहली बार कछु बुद्धि की बात की है तूने। नंदराज, हमारे मन में आपका बहुत सम्मान है, पर हम जो करना चाह रहे हैं वो लोभ ना है, वो तो विकास है। हाँ नंदराज, हम अपना और अपने संतानों का भला बुरा सोचे बिना कब तक अपना जीवन इस प्रकार जीते रहेंगे? फिर पिछले 4 वर्षों से हमने आपको कर भी तो ना दियो है। मुझे तो लगता है कि नंदराज की बातों पर शांति से सोच विचार के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। ऐसा मौका बार बार ना आता है। हमें सोच विचार कर निर्णय लेना है सबने। चोरी में पारंगत? हाँ जीजी, उसने टोली बनाई है और उसका नाम भी रखा है चौर्य विद्या प्रसारण टोली, और आपका कान्हा उसका अध्यक्ष है। अच्छा, तो कान्हा पूरी टोली लेकर आया था चोरी करने तेरे घर? और नहीं तो क्या। पर एक बात बताऊं जीजी, मेरे बलदर को देखकर किसी का साहस ना हुआ भीतर जाने का, पर आपका कान्हा इतना साहसी है कि बिना भयभीत हुए इतने भयंकर बैल के निकट चले गए। सच्ची? और तेरे रक्षक बैल ने कुछ ना किया उसे? है ना अचरज की बात, क्रोध के स्थान पर वो तो उसके सामने ऐसे झुको जैसे कि प्रणाम कर रहे हैं। और जीजी, आपका कान्हा साहसी ही ना, बहुत चतुर भी है। मैंने मटकिया बहुत ऊपर लटकाई थी, पर बताओ कि बिना चौकी के मटकी को नीचे उतारने का उपाय किसने ढूंढा? किसने? आपके चतुर कान्हा ने। उसने अपने सखाओं को पर्वत बनायो और एक पक्के सेनापति की तरह बिना भयभीत हुए उनके ऊपर चढ़ गयो और मटकियां उतारने लगो।
और एक ही ना, तीनों के तीनों मटकियां उतार ली। तीनों? हाँ जी जी, और वो इतना दयालु है कि पहले एक मटकी का माखन सब में बांट दियो और फिर बचे हुए दो मटकियों में से एक मटकी अपने सखाओं को दे दी और फिर दूसरी मटकी एक भूखे वानर को दे दी। और फिर जब मैं उसके सामने जाके प्रश्न करने लगी तो उसने मुझे अपने तर्कों के जाल में उलझाया और बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया कि वो तो परोपकार कर रहा था। मैं तो देखती ही रह गई और शब्द तो ऐसे झड़ते हैं मुंह से जैसे कि फूल। रुक जा सावित्री, पहले तू ये निर्णय ले ले कि तू मेरे लल्ला का गुणगान करने आई है कि उसकी निंदा करने। निंदा करने ही आई हूँ चीची, जानकी सत्य कह रही थी, आपका काना माखन चोर ही है और बलराम के साथ भागा था। बलराम क्यों? वो तो साक्षात गरुड़ देव के पीठ पे बैठ के उड़ के आयो है, तभी तो तुझसे बहुत पहले आके यहाँ बैठ गयो ना। आ आ देख ले, आ जा। देखो कैसे बैठ के सब पहरा दे रहे हैं कि कोई पंछी अनाज ना चुगले, और तुम दोनों व्यर्थ में इन सब पर दोष लगा रही हो। कान्हा के निकट जाने का प्रयास भी मत ही करना। पहले मेरे लल्ला पर आरोप लगाती हो, फिर उससे मिलना भी चाहती हो। पर जीजी चोरी? अरे उसे तो चोरी का अर्थ भी ना पता होगा। तुम दोनों को नारायण का भय भी ना है क्या? हाँ, मेरे लल्ला पर आरोप लगाने से पहले तुम दोनों को लज्जा ना आए? हे नारायण, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? लगता है किसी की घोर दृष्टि लगी है कि बार बार मेरे लल्ला पर आरोप लगते हैं। किसी की क्या, तुम दोनों की दृष्टि लगी है? या तो तुम दोनों मनगढ़ंत कथाओं को सत्य बताना छोड़ दो, या फिर कृपा करके मेरे घर आना बंद कर दो। अब दोनों मुंह क्या ताक रही हो? हाँ, जाओ यहां से। और तुम दोनों नंद जी की सभा में क्यों ना गई? हाँ, जी कौन? पहले तो कभी ना देखो इसे। कहाँ गो? बस करो। मेरी आंखों के सामने मैं गोकुल में इस तरह फूट पड़ते ना देख सकतो। राजा हूं मैं, परंतु आज तक मैंने कोई भी निर्णय आप सब पर ना थोपो और ना ही आज थोपूंगा। मुझे पता है आप सबके पास कल सूर्यास्त तक को समय, इसीलिए मेरी विनती है कि आप घर जाकर रात्रि को इस बात पर पुनः विचार अवश्य कीजिएगा। सोचिएगा कि कोई भी व्यापारी अविश्वसनीय रूप से सस्ता क्रय विक्रय क्यों करेगा, जब तक कि उसका कोई छुपा हुआ लाभ ना हो। हमें सोचना होगो कि कहीं हम उसके बिछाए जाल में फंस तो ना रहे। बच गए भैया, जैसे तैसे ही सही, पर समय से पहले पहुंच ही गए हो। सावित्री मौसी, तनिक सी बात को इतना बड़ा चढ़क के बोल रही थी जितना उज्जवल भी ना बोलतो। वैसे आनंद तो बहुत आयो सच्ची। हाँ, बेहतर लगो तो माखन भी तो मिलो और परोपकार भी होगो। बता काना, और किसके घर जाना है अब? आज ही तो हमें शिक्षा मिली है, इतनी शिक्षा भूल गए तुम सब? लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे।
कह रही है मेरे निर्दोष से बालक को? अब तो इन दोनों ने अति कर दिए। से भी अभी फूटना था, वैसे ही मैं इतनी चिंतित हूं। कैसे समझाऊं इन गांव वालों को? कोई समझने को तैयार ही ना है। लगता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सही कह रही हो यशोदा तुम, मुझे तो लगता है कि सोचना समझना ही छोड़ दिया सबने। अनेकों तर्क दे के समझा दियो, सिद्ध कर दियो, पर इनकी मोटी बुद्धि में कछु आतो ही ना है। यशोदा तुम तो तर्क की कह रही हो, मैंने तो उदाहरण देकर समझाने को प्रयास कियो, पर अपनी बुद्धि के आगे कछु ना समझ में आ रहो इन गांव वालों को। क्या सारे के सारे गांव वाले मेरे लल्ला पर आरोप लगा रहे हैं? जी क्या कह रही हो तुम, मैं तो गांव वालों की बात कर रहा हूँ जो नारायण के नाम पर वचन देकर उस अपरिचित व्यापारी को अपने दूध दही घी माखन सब देने को तैयार है। लो कर लो बात, मैं गोपियों की बात कर रही हूँ जो लल्ला पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हूँ, और आज तो सावित्री ने भी लल्ला को माखन चोर कह के पुकारो है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। अच्छा जे सब आप छोड़ो, स्त्रियों की बात है मैं संभाल लूंगी, आप जे बताओ सभा में क्या हुआ? गोकुल में फूट पड़ गई यशोदा, लोभ की फूट। अरे रुको रुको रुको, व्यापारी जी रुकिए रुकिए। नंदराज ने प्रयास तो बहुत किया था व्यापारी जी, पर कुछ व्यक्तियों को छोड़ करके किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगी। इसका अर्थ फूट पड़ चुकी है लोभ की वजह से। बहुत ही शुभ समाचार लाए हो गुप्तचर। अब शीघ्र ही दिखेगा लोभ का चमत्कार। लोभ से बचने को जो पाठ हम काना को पढ़ा रहे थे ना, आज वही पाठ मैं इन गांव वालों को समझाने में असमर्थ रहा। आप चिंता मत करो जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी यशोदा। ये गोकुलवासी मेरे अपने, उन्हें अपनी आंखों के सामने मैं भूल करते ना देख सकता। वो सुलक्षणा, वो उस व्यापारी के प्रभाव में आ गए, और शंकरी मौसी और सुमति भी सुलक्षणा के मार्ग पर ही चल रही। कान खोल के सुन ले बहू, आज से घर में दूध पीनो बंद, दही खानो बंद, और माखन तो बिल्कुल न खानो। पर मैया। पर किंतु परंतु कुछ न सुनो मुझे, सुलक्षणा की जैसे धनवान बनना है कि ना? तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, तभी तो अधिक से अधिक दूध दही माखन बेचकर अधिक से अधिक धन अर्जित कर पाएंगे हम। सुलक्षणा को उस व्यापारी की तरह धनवान बनना है, और शंकरी मौसी को सुलक्षणा की तरह। ऐसे तो पूरा गांव ही लोभ में पड़कर कल उस व्यापारी के पास पहुंच जाएगा। अब तो फिर स्त्रियों को मुझे अपने ढंग से समझाना पड़ेगा। अब गोकुलवासियों को चाहे कोई भी कितना भी समझा ले, बुझा ले, ज्ञान बांटे, उन्हें केवल एक ही भाषा समझ में आएगी, लोभ की भाषा। लगता है आपके पास बहुत उत्तम योजना है व्यापारी जी। सब झटक लूंगा। क्या लगता है प्रभु, मैया के समझाने से गोपियां समझेंगी? काना और कितनी प्रतीक्षा करवाएगो? अब बता भी दे, माखन चुराने किसके घर जाना है? इतना आसान ना,
है निर्णय करना, समय लग तो है, सोच विचार करनो पर तो है, पर ये निर्णय किया कैसे जाए पतो है मुझे। लग तो है ये निर्णय करना पड़ेगा कि बजना कैसे है। सावित्री मौसी ने हमारे 14 विद्या प्रसारण के बारे में सबको बता दियो क्या? चौरी विद्या प्रसारण कल ही आरंभ हुआ था और आज ही समाप्त हो जाएगा। सब इतने गंभीर क्यों है आज? गंभीर तो होंगे ही ना दाऊ, क्योंकि मैया आज अच्छा वाला पाठ पढ़ाने वाली है। आ गए तुम दोनों, चलो आओ बैठ जाओ। जशोदा जी बता तो दो, सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है हम सबको? रुको, इतनी शीघ्रता क्या है, पहले इन बालकों को कुछ खिलाने तो दो। अभी खेलने निकलेंगे ना, पूरी दोपहरी दिखाई ना देंगे। मैया देखो ना, ऐसे अपने आभूषणों का दिखावा कर रही है जो सुलोचना। चिंता मत कर बहू, शीघ्र ही हम इससे अधिक आभूषण और इससे अधिक उत्तम वस्त्र पहन के घूमेंगे। ये देखो तुम दोनों के लिए क्या बना हुआ है मैंने, पूरे गोकुल में प्रसिद्ध मेरे पेड़े। चलो लो। यशोदा ये तो बहुत सारे हैं। हाँ जशोदा जी, इतने सारे तो मैं भी ना खा पाऊं। क्यों दृष्टि लगा रही हो सुलक्षणा, बढ़ती आयु के बालक हैं, खाने दो इन्हें। तुम सब कछु मत सुनना, जी भर के खाओ, ले खाना। हे नारायण, मैंने अपने कान्हा को जो सिखाओ है बस वे उसे स्मरण रखे और उसका पालन करे। ले और ले ले ले। आज तो एक के बाद एक पेड़ मिल रहे हैं, वो भी बिना रोक टोक के। मैया दो के बाद तीर से मिठाई बड़ी कठिनाई से खाने देती है, पर आज सादा लाड पेड़ों के माध्यम से जिता रही है, कछु तो रहस्य है। प्रभु क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? कोई परीक्षा तो नहीं ले रही है ये? किस सोच में पड़ गए तुम दोनों? खाओ ना। जब तक पेट और मन दोनों ना भर जाए तब तक खाओ। बस यशोदा, इतना पर्याप्त है। अरे ना जीजी, घर के शुद्ध मावा और गुड़ के बने, कितना भी खा ले कोई हानि ना होगी। लो और लो। प्रभु परीक्षा ही है ये।
ये तो खाए जा रहा है, कहीं मेरी देव इसे एक फूल तो ना खाओ, सारा खेल बिगड़ जाएगा। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोग बहुत भयानक होते हैं, बहुत भयंकर। जे एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते हैं, इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। क्या हुआ काना, रुक क्यों गए? आपने तो सिखाया था मैया, जितनी आवश्यकता हो उतनी लेनी चाहिए, लोभ कभी ना करना चाहिए। बहुत बुरा राक्षस है लोभ। बुढ़ा और खाने में कोई बुराई ना है काना, ले ले। ना मैया, लो मैं अधिक खाऊंगो तो फिर पेट पकड़ के बैठना पड़ेगो। हाँ मेरा भी पेट भर गया। काना सही कह रहा है छोटी माँ, लोग बहुत भयानक राक्षस है। जो भी लोग के चक्कर में पड़ेगो वो बहुत बुरा फंसेगो। अच्छा जाओ जाके खेलो तुम दोनों। मैया ये पेड़ अपने सखाओं के लिए भी ले जाऊं मैं? हाँ लल्ला ले जा अवश्य। देखो जो बात नन्हे से बालकों को भी समझ में आ रही है वो तुम सब की समझ क्यों ना आ रही? क्या समझना चाहती हो जशोदा जी, तनिक खुल के बोलो। जब बसंता खाने के बाद भी हलवा खाने का हट करतो है तो उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना, ताकि स्वाद के लोभ में उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और उज्जवल जब भरी दोपहरी में बाहर खेलने का हट करतो है तो तू उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना, कि खेल के लोभ में उसे लू ना लग जाए। हाँ और पुराण पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तो श्री रामा जब रात में दीप के प्रकाश में पुराण की कथाएं पढ़ना चाहते हैं तो क्यों मना करती है उसे बता? ताकि कथाओं के लोभ में उसकी दृष्टि खराब ना हो जाए चीची। तो इसका अर्थ तो ये ही है ना कि लोभ चाहे पेड़ों का हो, चाहे पुराण की कथाओं का हो, या फिर अधिक धन अर्जित करने का हो, लोभ सदैव हानिकारक ही होता है। ये बात तुम ही सब ना समझोगी तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी? बोलो। हम सबकी मैया यहाँ क्यों आई है? डांट पड़ी क्या? चौरी विद्या प्रसारण टोली के बारे में सबको पता चल गो क्या? चिंता के चने चबाना छोड़ो और ये पेड़े खाओ। भीतर और भी गंभीर समस्या पे चर्चा चल रही है। कैसी समस्या? लोग की भयानक राक्षस की समस्या। व्यापारी जी, नंद जी ने कल सभा बुलाई थी और आज रानी यशोदा जी ने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है, तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? करना तो चाहिए गुप्तचर, सबसे पहले हमें हाट जाकर गोकुल वासियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले वो सारे मूर्ख वहां आने वाले हैं मेरे सामने नारायण के नाम का प्रण लेने। उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुझा ले उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्तचर। हमारा वास्तविक धन क्या है? दूध घी दही माखन यही ना? हाँ तो श्री नारायण की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है, तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना। तो फिर जे गौ धन अपने परिवार और संतान में बांटने के बाद जो भी बचतो है वो तो हाट पे बिखी जातो है ना। तो फिर मथुरा के किसी अपरिचित व्यापारी के साथ माथा फोड़ने की क्या आवश्यकता है? जशोदा जी, हम आपकी और नंदराज की चिंता समझते,
पर इसकी कोई आवश्यकता ना है, कछु उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम। विश्वास रखो यशोदा, हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे, लोभ में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग, है ना? हाँ। अच्छा अब चलती हूँ, बुलावे की सूचना पाके सब कार्य ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। अब किसको घेर लियो, लोभ के भयानक राक्षस ने? ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब बाहर आएंगी, तब तो सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा दाऊ, तभी तो पता चलेगा माखन चुराने किसके यहाँ जाना है। नाना, लोग का राक्षस तो उनके पास दिख ना रहे हैं। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। काना, मेरी मैया को घेर रहे है क्या उस राक्षस ने? यशोदा भाभी और नंद भैया कितने चिंतित थे ना, पक्का कछु ना कछु कारण तो अवश्य होगा। हाँ, मुझे भी सच लग रहा है कि धनवान बनने के चक्कर में मैं तनिक ज्यादा ही लोभ में पड़ गई थी। नहीं, बस गए। और मेरी मैया दादी, उनका क्या गाना? बहू, सुलक्षणा की जैसे ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में लोभ में तो ना आ रहे ना हम? हे नारायण, बहुत कृपा आपकी। लगता है लोभ का राक्षस किसी को अपनी चपेट में नहीं ले पाया। लेता भी कैसे दाव? मेरी माया ने जो समझायो है। क्या लगता है यशोदा, इन्हें समझ आया होगा? आशा तो यही है, और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायण भी ना समझा सकते। सुनो, दोपहर में हम सब मिलेंगे। दोपहर में? तो क्या तू तब निश्चित करेगा कि आज किसके यहाँ जाना है माखन? आज कोई माखन चोरी नहीं होगी। क्षमा करना राव, भैया के समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु ना आई हुई थी उसके घर चोरी तो करनी पड़ेगी आज। व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई। पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा, अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा, किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध दही माखन घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी, वो भी केवल एक दिन की नहीं पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी, यशोदा जी और नंदराज व्यर्थ चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तुझे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते है तू, हुँ? काजल लगाने दे मुझे। मैया, पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुन्नी। हाँ हाँ, रुक जा, चले बस, होगा प्रसन्न। मैया, मैं ना चाहता मैं ऐसे फिर से भूल जाऊं, नहीं तो कड़ी धूप में से लेने वापिस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा,
अब मुझे काजल लगाने दे नन्ना। भैया इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो, इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर, दृष्टि लग जाएगी नन्ना। उनको तो आ सकता ही ना है मैया, वो तो गोकुल के राजा है। वैसे भी मुझे भी कम मत समझो, मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का। कौन सी टोली? अपनी। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बता कौन सी टोली? बालकों की टोली मैया, मारी खीर वाली टोली का। क्या हुआ जी? देखो जी, आप इतनी चिंता मत ही करो, आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है, तो मैं भी जसोदा हूं, मैं कोई कम थोड़े ना हूं, मैं भी गोकुल की स्त्रियों की रानी हूं। मैंने सबको समझाओ है, सब समझ गई है। रुकनंद भैया से बात करके आ रहा हूं अभी अभी, पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको। मुझे ना लगता तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो। अभी तो ये सब समझ के गई, बोल के भी गई कि अब उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगी, इतनी शीघ्र पलट गई। इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या? जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा, तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती। तो मुझे ही कछु कर लो पड़ेगा। मैया मैं जाऊं? हाँ तू जा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है सखाओ। कैसी समस्या? लोग का भयानक राक्षस कहीं ना गए हो, वो अभी भी यही है। मुझे पता था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तो मेरी मैया और दादी पर ही वो है। तुम सच कह रहे हो उज्जवल? हाँ। अरे कछु ना बलदाऊ, जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चढ़ा के। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आज से घर पे दूध दही माखन घी सिर्फ एक बारी मिलेगो। पर क्यों? ताकि अधिक से अधिक दूध दही माखन घी बचाकर उस व्यापारी को दो गुना मूल्य पे बेचा जाए। इतने से तो काम ना चलेगा। उस सुलक्षणा से? और मैं तो कहूँ सुलक्षणा से ही क्यों, पूरे गोकुल में सबसे अधिक धनवान बनना है तो और माखन जमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैया लाओ, मैं से ऊपर रख देती। चोरी चुपके से खा तो ना जाएगी? ना। तेरी घबराहट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तूने थोड़ो माखन तो खाया है, सच्ची बोल। ना ना मैया, मैं क्यों माखन खाऊंगी? मैं भी तेरी मैया हूँ लाली, माप के रखो तो मैंने। अरे तूने तो सच्ची में माखन खाया है, तनिक भी लज्जा ना आई तुझे? असत्य बोलने से पाप लगता है मैया, और जितनी बार आप माखन नाप रही है उतनी बार दंडी पे लगा माखन आप स्वयं चाट रही है, और दोष मुझ पे दे रही है। वो तो बस मैं इसलिए चाट रही थी कहीं व्यर्थ ना जाए, पर तेरी जीभ है कि तीखी मिर्ची। एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयं खा के मैया पे दोष भी धरती है। हे नारायण, कैसी बहू दी है मुझे। जा दूर हो जा मेरे कक्ष से, और माखन के तो आसपास भी दिखने की आवश्यकता ना है। इस चटोरी को तो कोई भरोसा ना है,
माखन को तो सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। यदि बहू ने अब मटकी उतारने को प्रयास कियो तो अचानक पानी गिर जाएगा और घबरा के वो चिल्लाएगी और मुझे पत्तों पड़ जाएगा। मैया, ये माखन तो मैं किसी को छूने भी ना दूंगी, तभी तो बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। मैया, माखन बेचने कहीं अकेली ना निकल जाए, ये तो पता भी ना चलने देगी कि कितना धन मिलो है। इन्हें अकेली धनवान ना बनने दूंगी मैं भी बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। पहले तो जब चाहे तब भरपूर माखन खा सकता था, पर अब दोनों तो ऐसे संभाल के रखती है कि जैसे माखन की मटकी ना स्वप्न का कलश हो। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। नंजी और जशोदा जी की बातों में आने से पहले ही सत्य का पता चल गया। जी, इतना सारा माखन। दृष्टि मत लगा, पेट पे पट्टी बांध के रात रात भर भूखा रह के बड़ी कठिनाई से माखन इकट्ठा किया है जे। तो क्या आपने निर्णय ले लियो है कि आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी? अरे, जब द्वार पे साक्षात लक्ष्मी जी हो तो द्वार बंद ना करते बावी। तू अभी छोटी है, मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना आरम्भ कर दे। कटौती तो मेरे घर पे भी आरम्भ होगी का ना? वो मैया ने कहो है दूध चाहिए या दही चाहिए या माखन चाहिए, जो भी चाहिए एक ही बार मिलेगो। तब हमारी टोली को ही कुछ करना पड़ेगो। तुम सबको तुम्हारा अधिकार मिले, यह हमारा कर्तव्य है। अब हम कछु ना कर सकते यशोदा। यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे उनकी उन्नति का अधिकार छीन रहा हूं। दूध दही माखन पे सबसे पहला अधिकार बछड़ों का होता है, फिर घर के बालकों का, और ये अधिकार हमें दिलाना चाहिए, है ना दाऊ? मैं सब समझता हूँ काना, तुम मुझसे इससे पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको, पर मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूँगा। पर दाऊ, ना ना, पिछली बार तुमने ही कहा था ना कि हम ये चोरी केवल बानर महाराज की सहायता के लिए कर रहे हैं। लो, बानर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा, आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। इनके भूख मिटाने में आपने साथ दिया था ना, तक तो है ये उसी लिए धन्यवाद देने आए हैं। इस कंठक को अपना उपहार समझ लेना जाओ। तब तो वानर महाराज को धन्यवाद और ये उपहार तुम्हें देना चाहिए का ना। और हाँ, इससे मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। आप नए मित्रों की सहायता कर सकते हो, अपनी पुरानी मित्रों की सहायता ना करोगे दाऊ? तुम सत्यवादी हो, सत्य कहो मधुमंगल, क्या करना चाहिए? अनैतिक कारण से चोरी करना अधर्म है, पर बात किसी के अधिकार की हो तो चुप रहना भी उचित ना है।
ठीक है, मैं तुम सबके साथ हूँ। देखो जी, इन भोले भाले बालकों को जे भी ना पता कि इनके मैया बाबा कितनी बड़ी भूल करने वाले हैं। तो बताता ना, किसी घर से आराम करना चाहिए हमें। वसंता, नाना मेरे घर से ना। उज्जवल, मेरे घर तो असंभव है काना। मेरी मैया और दादी किसी योद्धा से कम ना है। आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मटकी की। नन्ना मुरली इधर ही छोड़ गए, मैं देख के आती हूँ जी। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और यशोदा को खाना की मुरली की पड़ी। पर किसी ना किसी के घर से तो आरंभ करना पड़ेगा। किसके घर और क्या आरंभ करना पड़ेगा? हाँ, बोल मधुमंगल। सत्यवादी से मत पूछो भैया, ये तो सारा रहस्य खोल कर रख देगो। मैया ये देखो कंठ, ननन बुरा जाने कहां से ले आई इसे। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो नानक रो है, पर हाँ किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जानो है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको जी, जी, हाँ, सूची। व्यवधान मत ही डालो, किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी सौर्य विद्या प्रसारण टोल की सदस्य बन गई है आज। तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो, प्रभावती का तो नाम ही भूल गई, इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप बहुत अच्छी हो मैया, चलो चले। अरे अब आप कौन सुन लिए? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूँ, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? मैया का आदेश है उज्जवल, सूची का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ काना? जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए।
चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं। पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है, तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं मैया के साथ अपना तो हूँ। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। दूध दही माखन सब समाप्त, पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। पर माखन है कहाँ? दूध दही खाके जो बलायु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं।
ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल, ये छल से भरा है ये नखट पड़ा चिपचोर। कोई हाथ भी मत लगाइए मेरे माखन को, बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मट्टी के ढक्कन में जल भरवा है। तनिक भी मट्टी लाए तो सारा जल तेरे दादी के ऊपर गिर जाएगा बचपन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बल्ला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत नहीं रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्जवल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैना दान आएगो तो पकड़े जाएंगे, फिर क्या दशा होगी हमारी। काना तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है। फिर से फंस गो, ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया, बातें क्यों करो, अब पर्वत संभालो, दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही, कुछ खा के भी ना गए, अब आप ही संभालो अपने गोकुलवासियों को। हाँ नहीं तो लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक संकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। दो मट्ठी तो उठ ही ना रही है, अधिक देर तक जे पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखन निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बाटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नखट है नंद किशोर। उसे मट्टी उतारने का प्रयास करो काना, अब तक तो हल्की भी होगी होगी। नापी तो बहुत भारी है दाऊ, तो मैं कुछ सहायता कर दूं। दादी बोली होगी सपने में, अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दोस्त। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची,
अपने खाना को ऐसे ही लट के रहने दोगी? अच्छी हो चाची और कितनी बदसाली भी हो, आपने अपने काना को गिरने से बचा लियो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे है। पर तू बच ना पाएगा काना, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री बौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी और देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भूला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो, बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो गाना? कसेंगे तो मुझसे, वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश होकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। शीघ्रता कर, छोटी माँ आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दो कि तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लगतो इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों
के सामने तुमने माखन चुराया? माखन चुराया? कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है। आपको धोखा हो रहा है मैया, मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पतो है मुझे, सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए, वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था अरे कौन आया था? कान्हा, 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 लेकिन मैं क्या लायू? इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहते है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये बेरिल थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे बमानर मराज, धन्यवाद बानन महाराज, अवश्य घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है, बाल बराबर बज गया तो तनी कौर भी न बुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगे। क्या होगा वो तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु, किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत अद्भुत देव की अद्भुत, तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? वाह, खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। आह, उत्तम, अति उत्तम। ऐसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी, कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से, या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है,
उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब? केवल माध्यम था भैया, सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी ना किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोक तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोक तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आयो। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? सच्ची, तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गो है चाची। जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास, सुख शांति समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहा है।
अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आशीष पति आत्मा वो तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ ना। तो ना तो क्या कहना? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगो। सब छटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो जे। बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखाया है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ ये है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा। सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। सब तो है आपके पास, सुख स्वास्थ्य समृद्धि फिर संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपाकर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुलवासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहां से।
वो कुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान। ये लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आई है। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान के धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख शांति ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। इनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात समझ में ना रही आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए सेवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। जाओ। नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए ऐसा मत कीजिए, आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, जो अवसर है। लाओ व्यापारी जी अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी जी, आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल लिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदले को जे। मैं कैसे मान लू? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे, कछु भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी, आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ, आज से जितना भी दूध दही घी माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन में बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। पापा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गया है। मैं ना चाहतो मेरा सत्य सामने आए। पापा यशोदा क्या होगा? क्या होगा देखो ना, आपने मधुर मुरली बजाई हमारे कान्हा ने। अच्छा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कोई सामान्य बात है? पापा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना, ये सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो करतो है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है,
कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने, बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो आज घर से बाहर निकलते ही कैसा सयाना हो गया मेरा लल्ला। ये इन सब की तो मति ही मारी गई है जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने। तू तो बचकों का ना, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्ग दिखाना था बाबा, अब वो कौन सा मार्ग चुनेंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ फिर मैंने समझाओ, अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो, आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू, उस दूर के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दिया, सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन दे दियो, अब से अपना सारा दूध दही माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायण भी नहीं समझा सकते हैं। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलनो भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ ना देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया, पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसल कर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते, वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं, वो स्वयं झुक कर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल कर तो है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता, ये मेरा दायित्व है, मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। बाबा, जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते, मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है नारायण उन्हें लोभ तो क्या, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे, और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी। परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ, गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध दही मक्खन मुझे केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन,
कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो। सुबल, जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम, मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी कान्हा को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? तब तो है आपके पास सुख स्वास्थ्य समृद्धि से संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है, और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिजी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगा। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा, कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना, अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगो। दस सिक्के दियो है उसने, 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। जशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था, लोग के जाल में मती फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचे समय की। देखा, कुछ ना क्यों नारायण ने, मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने, शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, जही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो, कछु तो करना होगो। इससे क्या होगो? क्या बोल रहा है कान्हा, ठीक से बताना, किसके यहाँ जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जानो है। नाना, ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ, क्या होने वाला है और कब होने वाला है
मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है इसलिए मालिश करवा के बैठो है काना। हो गयो प्रयाद, आप शीघ्र जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है काना, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, दो माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहे है? सब जान गई हूँ मैं, मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती। और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी मैं? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही काना। संकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तू मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना काना, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी, इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती। ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं, सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना काना। ये रोकने आई थी तो सारा भेद बताकर चोरी का निमंत्रण देने, तो अब आपने सेम देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊ। वो तुम्हारा दाऊ काना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा, आ जाओ। दाऊ ना हो गो कार्य, यदि काना के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज काना यहाँ अवश्य आवेगो। पर जे कान पकड़ के ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि काना सचमुच भयभीत होगो फिर तो आज क्या तू मेरे घर कभी भी ना आवेगो। खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार,
करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। जे दोनों आज इतने शांत क्यों है जीजी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जीजी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्य और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो ये सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल। देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर गो। 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 माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना। काना तो अभी तक आया ही ना। नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आयो तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन काना के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। मैं बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आ भी जा काना। Thank you.
आरती का समय हो गया, चलो एक बार बालकों को देख ले फिर चले। ठीक है। गहरी नींद में सो रहे दोनों। चिची शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो। आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? काना बलराम का रहोगो? ताऊ वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगो। काना अब तक ना आयो, कछु अति की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी, व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी, लगता है अब ना आवेगो काना। तो सच में आगो बढ़ा नहीं डरे जे? वाह, सेमी बुलाती हो और सेमी अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.